परम पूज्य छोटे भैया का एक प्रवचन है कि हमारे संग सुख दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जितने भी सत्संगी भाई मिलते हैं वो दुखों का ही वर्णन ज़्यादा करते हैं और ये भी है कि जो सामने से जो व्यक्ति सुखी दिख रहा है वो भी ऐसा नहीं है कि वो सामने से अगर वो सुखी है तो उसके जीवन में कोई दुख का कांटा ना हो। सभी के जीवन में सुख और दुख बराबर आते रहते हैं। एक बात और है जो पंडित जी महाराज कहा करते थे कि जागृत के जो दुख हैं वो और हैं और जो स्वप्न के दुख हैं वो और। जागृत में जो हमें दुखी दिखलाई पड़ रहा है वो हो सकता है कि स्वप्न में वो सुखी हो। कोई मरीज अगर अस्पताल में करा रहा है और उसको अगर वो बहुत दुखी है लेकिन वो उसको हो सकता है कि स्वप्न में वो बहुत सुखी हो। और ऐसे ही जब वो जागृत के बाद स्वप्न के बाद जब वो सुषुप्ति में चला जाता है तो वो वहाँ न उसको सुख है न दुख है, वो विचार उससे छूट जाते हैं। इसीलिए पंडित जी महाराज ने कहा था कि हमारे यहाँ इसी का तरीका बतलाया जाता है कि दुख में दुखी ना, क्योंकि विचार यदि विचार छूट जाएं तो फिर हम चाहें सुख हो तो सुख में न ज़्यादा सुखी होंगे और दुख हो तो उसमें न ज़्यादा दुखी होंगे। जागृत और स्वप्न दोनों की जो अवस्थाएं हैं उसके लिए उन्होंने एक बार राजा जनक की एक प्रसंग सुनाया था जिससे पता चलता है कि सामने हमारे जो दिखाई पड़ रहा है हो सकता है स्वप्न में उसका बिल्कुल उल्टा ही। राजा जनक हम सब ने सुना भी होगा कि वो जब पलंग पर अपने सोने को आए तो वो राजा थे। जैसा हम सब जानते हैं कि वो जागृत अवस्था में बहुत सुखी थे, फिर वो जब सोने लगे तो उनको एक स्वप्न आया। वो स्वप्न ये था कि उनके राज पर किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया है और उनको परास्त कर दिया और वो भागते भागते उनको काफ़ी दिन हो गए और वो उससे बचते बचते काफ़ी दिन जब हो गए वो भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और उनको ये भय भी था कि कहीं वो शत्रु सेना आकर मुझको पकड़ न ले। अंत में उन्हें एक नदी दिखलाई पड़ी और वो उनकी राज्य की सीमा थी, उसको उन्होंने पार करा और वो पार करने के बाद उनको चैन आया, लेकिन तब तक वो भूख से व्याकुल हो उठे। ऐसे में उन्होंने जब दूर तक देखा कि कहीं कोई खाने का इंतजाम हो जाए तो वहाँ उन्हें एक सदाव्रत दिखलाई पड़ा जो किसी सेठ ने खुलवा रखा था। वो राजा होने के बावजूद अब वो वहाँ पर भिखारी की तरह लाइन में लग गए और वहाँ जो भोजन बंट रहा था लेकिन जब तक उनका नंबर आया तब तक वो भोजन वहाँ खिचड़ी थी वो समाप्त हो गई। उनकी दशा देख के वहाँ का जो था उसने
उनसे कहा कि भोजन तो समाप्त हो गया है, अगर आप चाहें तो मैं ये जो खुरचन बची है ये आपको परोस देता हूँ। और उन्होंने उसको उस दोने में वो खुरचन परोसी, लेकिन जैसे ही वो पलटे किसी चील ने आकर वो जो दोना था वो मिट्टी में गिरा दिया। सारी वो जो खिचड़ी थी वो नीचे गिर गई और वो चील के झपट्टे के कारण एकदम से वो चिल्ला उठे। जब वो उनकी चीख निकल गई तब जो उनकी नींद खुल गई, स्वप्न समाप्त हो गया। आसपास के जो कर्मचारी रानियां वो उनके पलंग के इर्द गिर्द आ गए। लेकिन राजा जनक को एक विचार घर कर गया कि क्या ये सत्य है या वो सत्य है, और वो इस विचार में इतने उनको ये इतना कर गया कि वो राजकाज भी उनसे ना संभल रहा था। उनके राजगुरु को ये खबर मिली तो वो गुरु वहाँ आए। जब उन्होंने ये प्रश्न किया तो गुरु ने सारी अपने मन को शांत कर उनकी स्वप्न की सारी जो स्थिति थी वो उन्होंने उनको समझ आ गई। और तब उन्होंने कहा कि राजन, ना ये सत्य है ना वो सत्य है, आप दोनों ही अवस्था में दृष्टा थे। तो यहाँ हमें इस प्रसंग से ये पता चलता है कि दृष्टा होने पर भी हम सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ सकते हैं। पहले जो बात परम पूज छोटे भैया ने कही वो ये थी कि विचारों को छोड़ देने से हम सुख और दुख से ऊपर उठ सकते हैं, और ऐसे ही हम अगर दृष्टा भाव ले आएं तो वो भी हमें इस शांति प्रदान करता है। और गुरु महाराज ने हमें ये ट्रेनिंग इस साधना के द्वारा प्रथम दिवस से ही दी। लेकिन साथ में गुरु महाराज ने जो ये जो साधना दी है इसका मतलब ये नहीं कि दृष्टा हम होए तो हमें कुछ करना नहीं। इसके लिए आप एक और एक बात बताते थे कि ये ऐसा ही है, दृष्टा भाव इस तरह से है कि जैसे बाढ़ आती है तो सब जड़ चेतन सब बहते जाते हैं, और ऐसे प्रवाह में भी कुछ मनुष्य होते हैं वो अपनी बड़ी सी नाव लेकर और रस्सी लेकर चलते हैं। जो मनुष्य उस बहाव में बहे जा रहे हैं उनकी तरफ वो रस्सा फेंक देते हैं, और जो रस्सा है उसको वो जो मनुष्य है वो बहता हुआ कभी वो उससे पकड़ में आता है कभी उससे छूट जाता है। लेकिन जो मनुष्य उसको पकड़ना सीख लेता है वो उसको जिस तरह से उसको समझ आ जाता है तो वो उसको ऐसा पकड़ लेता है कि फिर वो छोड़ता नहीं। लेकिन वो जब अगर उसने पकड़ लिया तो वो नाविक की तरफ देखता है। यहाँ जो वो यही नाविक से की तरफ देखता हुआ सोचता है कि कब ये मुझको किनारे लगा दे या कब ये मुझको अपनी नाव में खींच ले। और ये जो रस्सा है उसके जो दो हाथ हैं वो श्रद्धा और विश्वास हैं, और जो रस्सा है वो सुरती की धार। ये सुरती की धार को पकड़े रहना यही दृष्टा भाव। हम जो साधना करते हैं उसमें भी यही शुरू से अंत तक देखना है, धारणा के समय भी देखना है और आगे भी देखना। हमारी जो प्रथम प्रार्थना है उसमें हम सम्मुख गुरु को बिठलाते हैं और उनके सम्मुख हो गुरु वंदना करते हैं। यहाँ प्रथम गुरु हैं, और जैसा आपने सुबेरे सुना था कि तीन बिंदु
त्रिकोण के हैं। एक हम हैं यानी साधक है, एक गुरु हैं और तीसरा ईश्वर है। तो सम्मुख हमारे गुरु हैं और हम उनको ये वंदना सुनाते हैं, और जब गुरु वंदना समाप्त हो जाती है तो हम ईश स्तुति करते हैं। यहाँ गुरु और ईश्वर एक हो जाते हैं। हम केवल ईश्वर रूप में, परमात्मा रूप में उनको करके वो गुरु और ईश्वर वो बिंदु एक हो जाते हैं। अब सिर्फ हम और गुरु परमात्मा रूप में सम्मुख रहते हैं, और वो वहाँ पर उस प्रार्थना के बाद हमारे सामने सिर्फ प्रकाशमय परमात्मा रहता है। फिर हम उसको अंतर में देखते हैं, और अंतर में उतरने के बाद हम उस प्रकाश को देखते हैं, तब हमें अपना भान भी जाता रहता है, और उसके बाद वो प्रकाश भी सम्मुख सामने से गायब हो जाता है। जब तक प्रकाश था, जब तक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ रहे थे, तब तक यहाँ आनंद था। तब तक हमें, क्योंकि हमको विचार छोड़ने की प्रक्रिया से आनंद प्राप्त होता है, इसलिए वहाँ आनंद था। लेकिन बाद में वहाँ पर भी हमें हमारे स्वप्न की अवस्था आती है, वो भी संस्कार काटती, और स्वप्न अवस्था संस्कार काटने के बाद ही बतलाया गया है कि मन शांत और निर्मल होता है। जब तक वो नहीं होता, तब तक साधक का मन शांत नहीं होता, तब तक वो गुरु की ज्ञान का रिसिपिएंट नहीं होता। इसके लिए गुरु महाराज ने एक और बात भी बताई है कि संस्कार यानी स्वप्न, यूं तो हमारे ध्यान में जो स्वप्न अवस्था है उससे भी संस्कार कटते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने ये एक जगह लिखा है कि स्वप्न भी अगर तुम गुरु से प्रार्थना करो और स्वप्न में भी तुम्हें कुछ दिखलाई पड़े, तो वो भी एक ऐसा रास्ता है जिससे गुरु तुम्हारे संस्कार काट देता। स्वप्न में जो कुछ दिखलाई कभी कभी पड़ता है, तो ये हम समझ सकते हैं, ये हम मान सकते हैं कि ये भी कोई संस्कार था जो स्वप्न में कट गया। बल्कि यहाँ तक है कि अगर कोई पूर्ण साधक जो अपने में लय कर चुका है, उसकी वो जब यहाँ शरीर नश्वर शरीर छोड़ के चला जाता है, और उसके यदि कुछ संस्कार रह जाते हैं, तो कभी कभी वो भी उसके पुत्र को दिखलाई पड़ते हैं। वो भी संस्कार काट कर गुरु महाराज अपना काम करते हैं, उस आत्मा को निर्मल कर अपने धाम में ले जाते हैं। तो ये स्वप्न की बात है कि दुख और सुख दोनों जो हैं, वो कोई न कोई उनका एक गुरु के द्वारा भेजे हुए भी होते हैं, और उनका ये साधना का एक तरीका है जिसे हमें सिखाया जाता है कि हम विचार छोड़ते जाएं और दृष्टा बन ये पूरी साधना करें। हम अब वही साधना करेंगे जो दृष्टा भाव की हमारे गुरु महाराज ने हमको दी है।